को हॉट लग रही है, मुझे तो ठंडी लग रही है, नॉर्मल है बिल्कुल। मैं इन आरोपों से बिल्कुल भी इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता कि किसी तरह हम लोगों का जो ध्यान है वो पंचायत चुनाव से हटकर अपने बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी के साथ है। तलकपन क्या ये उनकी बौखलाहट है? बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर बोर्ड भी बनाएगी और जो जिले की सरकार है वो बहुजन समाज पार्टी बनाने का काम करेगी। आज बहुजन समाज पार्टी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है उसका विषय यह है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी बहुजन समाज पार्टी काफ़ी समय से कर रही है और बहुजन समाज पार्टी का ही बोर्ड यहां पर जिला हरिद्वार में बनता हुआ है और उसी के क्रम में बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव में बहुत मजबूती के साथ खड़ी हुई है, जिससे घबरा करके जो यहां पर सत्तारूढ़ दल है भारतीय जनता पार्टी वो हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे पदाधिकारियों को, हमारे जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं उनको डरा धमका करके उनको परेशान करने का काम कर रहा है। तरह तरह की धमकी फ़ोन के माध्यम से मिल करके उनको देने का काम कर रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं की गाड़ी रोकी जा रही है, कार्यकर्ताओं से तरह तरह की बातें की जा रही है। आज उसी के विरोध में एक यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिससे कि आने वाले समय में जो हमारे चुनाव आयोग है वो इसको संज्ञान लेने का काम करेंगे और निष्पक्ष चुनाव कराने का काम करेंगे। ब्रजवाल जी, एक सवाल पूछना चाहूँगा, आप ही लोगों के कार्यकर्ताओं द्वारा आप ही की पार्टी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता है, बहुजन समाज पार्टी में बहुत सारे लोगों ने टिकट मांगा था, यदि किसी का टिकट नहीं हुआ तो तरह तरह की बात करने का काम करते हैं। मैं इन आरोपों से बिल्कुल भी इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, मिशन मूवमेंट का जो व्यक्ति है, वो इस प्रकार के आरोप नहीं लगाएगा। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि हो सकता है किसी अन्य व्यक्ति जो अन्य पार्टी से जुड़ा हुआ उससे प्रभावित होकर के उसके कहने पर इस प्रकार के आरोप बहुजन समाज पार्टी के ऊपर वो लोग लगा रहे हैं। इतनी सीटें निकाल कर लाएगी कि बसपा का चेयरमैन हो इस बार? जी, निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी पहले से ही ग्रामीण क्षेत्र में बहुत मजबूत है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि बहुजन समाज पार्टी यहां पर बोर्ड भी बनाएगी और जो जिले की सरकार है वो बहुजन समाज पार्टी बनाने का काम करेगी। जाएं तो बसपा का ग्राफ कुछ कम हुआ है, सीटें बहुत कम आई हैं, क्या कहना चाहेंगे कि बसपा का जो वोट बैंक था क्या वह खिसक कर कहीं और पहुंच गया है? नहीं, देखिए, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी के साथ है। बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में खासकर हरिद्वार जिले में चुनाव लड़ रही है। हमारे दो विधायक भी जीते हैं, बहुत सारी सीटों पर हम दूसरे नंबर पर भी रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ग्रामीण क्षेत्र की मैं बात करूँगी, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पहले से ही बहुजन समाज पार्टी मजबूत रही है और इस बार भी आप लोग 28 तारीख को देखेंगे जब नतीजे आएंगे कि बहुजन समाज पार्टी के सबसे ज़्यादा सदस्य जीतने का काम होगा। जिनको लेकर आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, भारतीय जनता पार्टी के जो लोकल नेता हैं, ये उनकी बौखलाहट है कि लोगों को कभी हितैषी बनाकर कभी डराकर ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसी तरह हम लोगों का जो ध्यान है वो पंचायत चुनाव से हटकर अपने को बचाने में लगे। आप भी किसी समय भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं, उसी की देन भी रहे कि आप जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भी रहे हैं, अभी कुछ ही समय पहली बात है, अब ऐसा क्या हो गया कि इतना तलखपन आ गया है आपके और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कि उन लोगों को आपको प्रताड़ित करना पड़ रहा है? तलखपन क्या ये उनकी बौखलाहट है? हरिद्वार के जो नेता हैं उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ जीत नहीं रही, ना यहाँ पे अध्यक्ष बना पा रही है, इसलिए लोगों को आप माइंड डाइवर्ट करके उनके मुकदमे बताकर झूठे केसों में फंसा लेंगे, इस तरह की सलाह देकर कहकर उनको हमें हटाना चाह रहे हैं, जिससे वो हो सकता है कि कुछ सफलता पा ले, लेकिन उनके जो ये सपने हैं कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे हैं, बताया जाता है या सुना जाता है कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर जो व्यक्ति चुनकर जाता है उसमें कहीं ना कहीं सहयोग राज्य सरकार का भी रहता है और प्रशासनिक अधिकारी भी कहीं ना कहीं उन्हीं को सपोर्ट करते हैं जो सरकार के सिंबल पर लड़ते हैं, तो क्या कहना चाहिए, कितनी सच्चाई है इस बात? नहीं, जनता का सहयोग होता है, जनता के सहयोग से जीत कर आते हैं, उसके बाद सदस्यों का सहयोग होता है, इसमें अधिकारियों का या सरकार मतलब मेरा शासन का उनका कोई सहयोग नहीं होता, वो तो कानून व्यवस्था देखते हैं। मानकपुर सीट से लड़ रहे हैं, हॉट सीट मानी जा रही है इस समय, क्या कहना चाहेंगे, क्या स्थिति है आप? बढ़िया है, आपको हॉट लग रही है, मुझे तो ठंडी लग रही है, नॉर्मल है बिल्कुल। क्या मतलब, अपने पक्ष में दिखाई दे रही है? 100%।